हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओके। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जनरल साइंस के रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास फोर। थ्री क्लास में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीटेड हैं, NTPC, ग्रुप डी, MTS व CHSL व अदर एग्जाम्स। सो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप भी क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करते चलें। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है। आंसर है इसका ऊर्जा। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आंसर है इसका किरीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है आग्जेलिकम। फ्रेंड्स, ये ग्रुप डी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सो इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? इसका आंसर है कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? फ्रेंड्स, ये रेलवे में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर है JL बेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? इसका आंसर है एपिथीलियम ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? इसका आंसर है कुत्ता, डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? इसका आंसर है डेवी। फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी NTPC और ग्रुप डी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? फ्रेंड्स, ये NTPC 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः रूप से क्या पाया जाता है? फ्रेंड्स, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में, इसका आंसर है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? इसका आंसर है पनीर। फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
एक उड़ने वाला उड़ने वाली छिपकली सॉरी है। इसका आंसर है ड्रैको। नेक्स्ट, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फ्रेंड्स ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है टार्टरिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। इसका आंसर है ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? इसका आंसर है किंग कोबरा। नेक्स्ट, भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? इसका आंसर है व्हेल शार्क। नेक्स्ट, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? इसका आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? इसका आंसर है डाई एसिटिल के कारण। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इसका आंसर है लाल रंग, रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? इसका आंसर है 7। नेक्स्ट, टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन हैं? इसका आंसर है सोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? इसका आंसर है एसीटम। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? इसका आंसर है लैक्टोमीटर। यह रेलवे में रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट रिपीटेड। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? इसका आंसर है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका आंसर है ऑक्सीजन। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि चैनल को सपोर्ट मिले और मैं और भी वीडियो अपलोड कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।